वेलकम बैक टू माय चैनल तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट के बारे में पता चला है वो बहुत 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 ही अमेजिंग वेबसाइट है सो आई थॉट आप लोग के साथ भी शेयर करें उसके लिए आपको क्या करना होगा वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो सब्सक्राइब अभी okay, अके अभी, अभी 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 करो जाके तो okay, तो ओके डाउन सब्सक्राइब कर लेना और पसंद है तो लाइक भी कर देना क्योंकि आई नो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि मुझे भी पसंद आया तो चलो वीडियो देख तो सबसे पहले हम स्पायरल वेटी डॉट कॉम पर जाएंगे आप गूगल या क्रोम कहीं पर से भी सर्च कर सकते हो और हमारा जो सबसे पहला लिंक होगा हो वो हम ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुका है अब यहाँ पे जो अपलोड इमेज है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरीज की फ़ोटो दिखेंगे आपको जो भी फोटो चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो तो मैंने ये की है अब इसे हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे जितना भी एरिया हमें चाहिए वो यहाँ से हम ले लेंगे तो यहाँ डन करते हैं अब हमारा स्पायरल पोर्ट्रेट बन चुका है अब ये है रिंग्स रिंग्स हमारे पोर्ट्रेट में काफ़ी सारे रिंग्स ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ पे रिंग्स को थोड़ा बढ़ा दिया है और पोर्ट्रेट में काफ़ी सारे रिंग्स बना दिए हैं जिससे पोर्ट्रेट थोड़ा और विजिबल लग रहा था यहाँ पे और सारे भी ऑप्शन हैं जैसे कि ये स्केल स्केल से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ करने नहीं था जितना था मैंने उतना ही कर दिया वापस और भी इसमें फ़ीचर्स हैं जैसे ये लाइटनेस जो मेरे पोर्ट्रेट को लाइटनेस देगी और कंट्रास्ट uh, भी है जो कंट्रास्ट बढ़ाता है लेकिन हमें ये सब की नीड नहीं थी नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं इसमें जैसे कलरफुल करने के लिए जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट येलो रेड पर हमें ये सब नहीं है हमें सिर्फ कलर इन वाला ऑप्शन चूज करना है और इसे हम अब यहाँ डाउनलोड वाले एरिया से डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा इमेज अब डाउनलोड हो चुका है तो अब मैं बताती हूँ आपको इसमें करना क्या है आप इसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है ये सारी लाइंस जिस पर मैं अभी टैप कर रही हूं ये सारे लाइंस को हमें फिल करना है पेन से आप कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हो जिस कलर का भी आप अपना पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो मैं ब्लैक कलर का पेन यूज करूंगी तो अब मैंने ये इमेज प्रिंट आउट करा लिया है और अब मैं इसके लाइंस को फिल कर रही हूँ प्रिंट कराने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने ये रिंग्स काफी पतले बना लिए हैं जिससे मुझे ये फिल करने में काफी प्रॉब्लम हुई फोन में रिंग्स पतले ही अच्छे लग रहे थे पर आफ्टर प्रिंट मुझे लगा कि रिंग्स मोटे भी होंगे तो चलेगा और उसे फिल करने में भी हमें आसानी होगी क्योंकि ये पूरा लाइंस का ही खेल है अगर हमारा पेन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा पोर्ट्रेट थोड़ा बहुत गड़बड़ भी दिख सकता है और इमेज चूज करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखना कि वो इमेज एडिटेड ना हो क्योंकि ये जो इमेज मैंने चूज किया है इसमें एडिटिंग है जिससे हमारा पोर्ट्रेट थोड़ा ब्लर बन गया है तो आप बिना फिल्टर या एडिटिंग वाले पिक ही चूज करना और हमारा पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सब कि आपको ये है कैसा लगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो थैंक्स फॉर वॉचिंग